तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। आप हैं अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर वन चैनल, आपका मनपसंद चैनल। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, डेमोंस्ट्रेशन है, वो स्पेशली कमर्शियल भाइयों के लिए जो कि कमर्शियल में गाड़ी लगाना चाहते हैं, टैक्सी पर्पस के लिए गाड़ी लगाना चाहते हैं, उबर ओला में गाड़ी लगाना चाहते हैं। दोस्तों कमर्शियल वाले भाई जो गाड़ी लेते हैं उनको एक ऐसी गाड़ी चाहिए होती है जो कि बजट फ्रेंडली हो, अच्छी ड्राइवेबिलिटी वाली हो, अच्छी माइलेज दे। तो उनके बजट में हायर सेगमेंट में गाड़ियां आती थी, जैसे कि एस आता था, एस एक्स आता था वेरिएंट। बट कंपनी ने क्या किया उन भाइयों के लिए जो कि बजट को लेके बड़े कंस्ट्रेंट रहते थे कि भाई मेरा बजट नहीं मर रहा बट मुझे ऑरा गाड़ी पसंद है, उनके लिए कंपनी ने नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए हुंडई ने सीएनजी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है यानी कि ऑरा ई सीएनजी। तो दोस्तों कैसी लगी खुशखबरी आपके लिए कि आप भी आप गाड़ी बाय कर सकते हैं। बट प्राइस, जी हाँ दोस्तों, जो प्राइस कंपनी की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है वो है 7,48,000 रुपए, क्योंकि एक बजट फ्रेंडली प्राइस है मार्केट अकॉर्डिंगली दोस्तों, जिसके अंदर आप गाड़ी को अपने अकॉर्डिंगली जैसी आप गाड़ी को श्रृंगारना चाहते हैं, आप सिस्टम लगवाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों 7,48,000 में एक ऐसी व्हीकल मिल जाता है जिसके अंदर आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, आपको सीएनजी अच्छी खासी मिल जाती है, स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है और आपको ड्राइविंग का भी मजा मिलता है और गाड़ी में माइलेज भी अच्छी मिलती है दोस्तों, और वारंटी तो मिलती ही कंपनी की तरफ से अच्छी है। तो दोस्तों चलो चलते हैं, आज जो डेमोंस्ट्रेशन करेंगे हम ऑरा ई सीएनजी, 7,48,000 प्राइस है इसका। और आगे हम डेमोंस्ट्रेशन में आपको हर एक एंगल से गाड़ी दिखाएंगे, फ्रंट से भी दिखाएंगे, पीछे से भी दिखाएंगे, रियर सीट पे बैठ के दिखाएंगे कि अगर आप किस क्लाइंट को लेके जा रहे हैं कि कंफर्टेबल है या नहीं है, आपको को ड्राइवर सीट के बारे में बताएंगे, सारा कुछ बताने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और दोस्तों पेज को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों आपके पास जब आप वीडियो को देख रहे होते हो लाइक के साथ आपको एक थैंक्स का बटन आता है, वहां पे क्लिक कीजिए। कुछ अगर आप सपोर्ट कर सकते हो दोस्तों अपने चैनल पे भी सपोर्ट आप कीजिए ताकि चैनल आपका ग्रो कर जाए, उन तक पहुंच पाए वीडियो, क्योंकि रियल टाइम बाय करना चाहते हैं। चलो चलते हैं, करते हैं डेमोंस्ट्रेशन गाड़ी का और देखते हैं गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं। चलो चलते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम फ्रंट सेक्शन की तरफ। आज इस वीडियो में कमर्शियल वाले भाइयों के लिए जो कि कमर्शियल में गाड़ी लगाना चाहते हैं, बजट फ्रेंडली गाड़ी चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो से। डेमोंस्ट्रेशन स्टार्ट करने लगे हैं फ्रंट सेक्शन से, जहां पे हम आपको बताएंगे कि ग्रिल का क्या बेनिफिट है, लोगों का क्या बेनिफिट है, आपको गाड़ी की डायनेमिक्स से क्या बेनिफिट है, वो सारा कुछ बताने वाले हैं ताकि आपको भी आपकी गाड़ी के बारे में पता लग सके। देखिए दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है कि गाड़ी आप जब ड्राइव करते हो तो वेंटिलेशन की जरूरत होती है, इतनी वेंटिलेशन की जरूरत होती है कि गाड़ी का जो इंजन है परफॉर्मेंस या फिर कहें माइलेज जो है गाड़ी से ज्यादा निकाल पाए, तो उसके लिए कंपनी ने एक अच्छी खासी स्पेस दे रखी है जिसके कारण आपको ड्राइविंग करने में दिक्कत नहीं आएगी, गाड़ी की माइलेज अच्छे से निकलती है और इतनी की वेंटिलेशन स्पेस दे रखी है कि गाड़ी का इंजन ओवरहीट भी नहीं होगा, ओवर कोल्ड भी नहीं होगा, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। देखिए दोस्तों जब आप कमर्शियल में गाड़ी लगाते हैं या तो आप सिटी में ड्राइव कर रहे होते हैं या फिर हाईवे पे मैक्सिमम साइड पे ड्राइव कर रहे होते हैं, उस टाइम पे सेडान्स में इतनी ग्राउंड क्लीयरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि सेडान्स होते हैं लो ग्राउंडेड कार होती है, बट इनका फायदा बहुत है दोस्तों, हवा को चीरती अच्छे से जाती है। जब आप लंबे टूर पे कहीं पे निकलते हो तो उस टाइम पे आपको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आपका जो विजन है, आपका देखने को निगाह बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, आपको जहां 500 किलोमीटर ड्राइव करना है वहां पे आप 700 से 800 किलोमीटर ड्राइव कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। अगर आप गैप देखेंगे तो यहां पे लगभग आपको गैप जो है आधे फुट के आसपास मिल जाएगा, जो कि मोर देन अनफ है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और हुंडई का लोगो जो कि रिलेशनशिप शो करता है, जैसे आपने प्यार दिया है कमर्शियल में ऑरा को, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे हुंडई का लोगो आप देख सकते हैं, आपको ब्लैक फिनिश के साथ लोगो मिलता जाता है। हालांकि अगर आप बेस मॉडल लेते हैं वहां पे आपको डीएल नहीं दी जाती है, ब्लैंक स्पेस दे दी जाती है। दोस्तों कंपनी का मकसद ये है कि बेसिकली कमर्शियल में जो लोग यूज करते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली गाड़ी को कस्टमाइज कराते हैं, तो उस टाइम पे बजट फ्रेंडली गाड़ी होने की वजह से कंपनी ने आपको प्लग इन दे दिया कि आप अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली जितना पैसा लगाना चाहते हैं उतना आप अपने अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। हेलोजन आपको बल्ब मिल जाते हैं जिनकी विजिबिलिटी वाइड मिलती है, मतलब कि आप साइड का पूरा अच्छे तरीके से देख पाते हो, अच्छी खासी रेंज भी होती है। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंज चाहिए तो इसे आप अपग्रेड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। इसके बाद दोस्तों जो बॉडी का डिजाइन है बहुत ही बेहतरीन है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि गाड़ी का जो डिजाइन है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन दी जाती है, मतलब की लाइने दे रखी है, जिससे फायदा अपने को ये होता है कि जब आप लंबी जर्नी में ट्रैवल करते हो तो हवा को चीरने में हेल्पफुल होती है और गाड़ी में आपको रेजिस्टेंस नहीं पड़ता, मतलब रेजिस्टेंस मतलब होता है ठहराव, रुकाव, वो प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी वजह से गाड़ी एवरेज भी ज्यादा निकालती है, जो कि अच्छी बात है। तो जब आप कमर्शियल भाई जब भी गाड़ी चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आंखों में लाइट डायरेक्टली डलती है धूप से, तो उसको बचाने के लिए सनशेड दिया जाता है ताकि आपकी आंखों में लाइट डायरेक्टली न डले, आपको ड्राइव करने में दिक्कत नहीं आई। हुंडई में ऑरा में एक बड़ी अच्छी खासियत है कि आपको जो पिलर है आपको
थिकनेस होती है वो कम दी गई है, बट स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं है दोस्तों। आपको इससे फायदा क्या रहता है कि जब आप मोड़ते हो गाड़ी को उस टाइम आपको मोड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जो कि सबसे बढ़िया बात है। आने वाले टाइम में जब भी आप ड्राइव करो तो आरा में ड्राइव करोगे तो आपको मजा आएगा। और दोस्तों वैल्यू फॉर मनी 7,48,000 में गाड़ी आपको वैल्यू फॉर मनी मिल जाती है। इसके बाद देखने वाली बात है कि आपको चाहे बेस मॉडल भी है तो आपको यहाँ पे जो आपके विंडशील्ड वॉशर होते हैं वो यहाँ पे ऊपर नहीं दिए गए, छुपा के दिए गए, जिसके कारण गाड़ी की जो लुक है बढ़िया निकलती है। स्पीकर दिया गया है कि इमरजेंसी में कहीं पे आप फंस जाए तो आप कस्टमर केयर पे कॉल कर रहे हो, आपको कॉल पे आ जाएगी बात कि भाई इमरजेंसी में अपने टोक करानी है, पंचर हो गया, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, स्टिकर वहां पे लगा होता है। दोस्तों सीएनजी का लोगो लगा रहता है क्योंकि सीएनजी इस गाड़ी में फिटेड रहती है, जो कि कंपनी फिटेड सीएनजी का मजा दोस्तों आपको पता ही है, जो लोग कमर्शियल में गाड़ियां यूज करते हैं तो उनको तो भाइयों को पता ही है। तो दोस्तों आपने फ्रंट सेक्शन तो देख लिया, अब बात करते हैं रियर सेक्शन की, देखते हैं आपको क्या क्या मिलता है, चलो चलते हैं। लोग कमर्शियल में गाड़ी परचेज कर रहे थे उनके लिए आज वीडियो बन रही है, यानी ई सी एन जी की वैल्यू फॉर मनी बजट फ्रेंडली गाड़ी। अब आ चुके हैं रियर साइड पे, जहां पे आपको बताएंगे कि आपका लगेज कितना आता है, सीएनजी टैंक की कैपेसिटी कितनी है, कि लुक कैसी है, फीचर क्या मिल रहे हैं। देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि जो अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू है आपकी गाड़ी के अंदर वो है आपकी ऑरा की बैजिंग, जो कि आपको एक प्रीमियम फील कराती है। ऐसा नहीं कि भाई अगर आप कमर्शियल में गाड़ी लगा रहे हो, नॉर्मल में गाड़ी ला रहे हो, कहीं पे कमी है, नहीं दोस्तों आपको ऑरा की बैजिंग मिलती है जिसकी वजह से आपको प्रीमियम फील आता है। हुंडई का लोगो मिल जाता है जो कि एक दिखाता है कि भाई हम एक रिलेशन मेकिंग कंपनी है। देखिए हुंडई एक ऐसा ब्रांड है वो मार्केट को एनालिटिक करता है, मतलब कि जो मार्केट की डिमांड रहती है उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाता है, अपग्रेडेशन करता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट की बैचिंग आपको मिल जाती है, यानी हुंडई का आपको लोगो मिल जाता है, यानी रिलेशन मेकिंग ब्रांड है। उसके अलावा दोस्तों गाड़ी का सीएनजी का लोगो मिल जाएगा, हालांकि ई वेरिएंट में आपको डिफॉगर नहीं मिलता है। इसके अलावा आपको जो शार्क फिन एंटीना था उसकी जगह माइक्रोफिन एंटीना देखने को मिल जाता है। देखिए ये कमियां जरूर है, बट आपको गाड़ी के अंदर जो पैसे के अकॉर्डिंगली गाड़ी मिल जाती है जिसको आप कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी आप फैक्ट्री वर्क के लिए कुछ भी यूज करना चाहते हो उसके लिए पर्पस ये सॉर्ट आउट कर देगी आपको। इस चीजों को अपग्रेडेशन किया जा सकता है, डिफॉगर को अपग्रेड नहीं कर सकते, बट आपको यहाँ पे माइक्रोफिन को शार्क फिन में कन्वर्ट आप कर सकते हैं, ये दोस्तों आप अपने रिस्क पे करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी के अंदर आपको मैनुअल की होल मिलेगा, क्योंकि गाड़ी में मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग आती है, आपको सेंट्रल लॉकिंग जो कीलेस वाली आती है वो नहीं मिलती है। आप यहाँ पे चाबी डालेंगे गाड़ी के अनलॉक कर सकते हैं डिग्गी को। अगर आप बात करेंगे आपको अब हाई एच वाई सी एन जी मिल जाती है, जो कि एक रिफाइंड टेक्नोलॉजी है हुंडई की तरफ से, सी एन जी को काफी हद तक हुंडई ने रिफाइंड किया है, उसका आपको लोगो भी मिल जाएगा जो कि अच्छी है। आपकी ऑरा में सबसे अच्छी डिजाइन की जो एलिमेंट की कमी हुंडई कभी नहीं छोड़ती है, वो चीज आपको देखने को मिलती है। जो डिजाइन है गाड़ी का आपको प्रीमियम फील कराता है, ऐसा नहीं कि हाँ भाई पैसे ले दिए कहीं पर कमी छोड़िए, नहीं, ये बेसिक होने चाहिए गाड़ी के अंदर, वो गाड़ी के अंदर दिए गए हैं जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा जब आप बेस मॉडल भी लेते हैं आपको पार्किंग सेंसर गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, जो कि रिवर्स करते हुए आपको बहुत ज्यादा बेहतरी देते हैं। जब आप म्यूजिक सिस्टम में आप इसको अपग्रेड करेंगे तो आप गाड़ी के रिवर्स कैमरा भी लगवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली जितना आपको चाहिए। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे अच्छी खासी मिल जाती है, करीबन आप मान के चलिए 1 फुट के अंदर फासला है, क्योंकि जब भी आप क्लाइम करेंगे घर के अंदर पार्क करते हैं, पहाड़ों में कहीं ट्रेवल करेंगे तो आपको कोई दिक्कत पहुंचाने वाली बात नहीं है कि गाड़ी जो है पीछे से लगेगी, ऐसे नहीं है, कंफर्टेबली गाड़ी चल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं डिग्गी कैसे खोलनी है इसकी। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट बताता हूँ कि डिग्गी कैसे खोलती है, आपको अपने ड्राइवर सीट पे जाना है, वहां पे नीचे लीवर दिया था, जब आप लीवर को अनलॉक करते हैं आपकी जो डिग्गी है अनलॉक हो जाती है, जो कि बहुत ही ईजी है ड्राइवर के लिए ओपन करना। जब आपका क्लाइंट उतर जाता है कि भाई मेरा सामान उतार दो या फिर उनको सामान उतारना अपना, तो इजिली खुल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल ओवर सीएनजी गाड़ी ऑरा में क्यों कामयाब हुई, वो स्पेस के कारण कामयाब हुई, क्योंकि जब लंबे टूर पे जब ट्रैवल करते थे आप क्लाइंट को, उसको स्पेस चाहिए, उसका लगेज भी है, तो इजिली ऑरा के अंदर आ जाता था, जिसकी वजह से आपका जो कस्टमर है ऑरा को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, या फिर मिड सेडान को ज्यादा प्रेफरेंस देता था। अगर आप सीएनजी टैंक की बात करेंगे, लगभग दोस्तों जो सिलेंडर की कैपेसिटी है ठंड के अंदर लगभग 9 से 9.5 किलो गैस आ जाती है, जो कि मोर देन नफ है, लगभग आपको 250 से 275 की रेंज दे देती है, जो कि मोर देन नफ है दोस्तों, लगभग 30 से आपको 29 के आसपास माइलेज कंसिडरेशन में ले सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा आपको आधा स्पेस जो होता है आपके स्पेस के अकॉर्डिंगली आप यूटिलिटी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है, मतलब इसी पर्पज के लिए तो गाड़ी ये बनी है और आप बनी स्पेस के लिए, तो आपको स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। और स्पेयर व्हील आपको यहीं पे नीचे मिल जाएगा 14 इंच का, जैसे मैंने आपको बताया था 14 इंच का स्पेयर व्हील आपको यहीं पे नीचे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप सीएनजी लंबे टाइम के लिए यूज नहीं करना चाहते, मतलब आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, आप लोन लिया गाड़ी खड़ी करी है, तो अपना वॉल्व बंद कर सकते हैं ताकि सेफ्टी पैरामीटर के लिए इमरजेंसी में जो गैस है वो लीक ना हो पाए, जो कि अच्छी बात है। हालांकि कंपनी को चाहिए था यहाँ पे एक आपको जो बोर्ड आते हैं आपको वो कर्टन या फिर कहीं कुछ भी आप कह सकते हो वो चीज लगानी चाहिए थी, कंपनी ने शो किया, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, बट दोस्तों नॉमिनल ठीक है,
इतनी जस्टिफिकेशन आ जाती है। तो ऑल ओवर अगर आप बात करें तो लगभग आपको अच्छी खासी स्पेस और अच्छा खासा यूटिलिटी आपको मिल जाती है, जो कि अच्छी वाली बात है, कंफर्टेबिलिटी वाली बात है, और लॉन्ग टर्म में आपको वैल्यू फॉर मनी यही चीज दिखाती है। तो दोस्तों चलो चलते हैं आगे साइड प्रोफाइल पे, देखते हैं आपको साइड पे क्या मिलता है, चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स दोस्तों भाइयों, आपने रियर प्रोफाइल देख ली, फ्रंट प्रोफाइल देख ली गाड़ी की, अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो कि आपके समझदारी के लिए बहुत बेहतरीन है और ध्यान रखने वाली बातें हैं। सबसे पहले जो मेन अट्रैक्टिव पॉइंट है ऑरा में, वो है दोस्तों फ्यूलिड, जब आप ओपन करते हैं सीएनजी रिफिलिंग पॉइंट। अब देखिए नॉर्मली अगर आप डिजायर में देखें तो वहां पे ब्लैक कलर का पैनल लगा होता है, जो कि ऑड भी लगता है, अगर वो कैप कहीं खो जाए तो आपके लिए सीएनजी आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट भी नहीं होती, जो कि बड़ा फैक्टर आता है। बट दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि गाड़ी में जो पॉइंट दिया गया बड़ी फिनिशिंग क्वालिटी के साथ दिया गया है, ताकि गाड़ी में एक आपको प्रीमियम फील भी आए, और अगर आप पर्सनली यूज भी करना चाहे किसी को पता भी नहीं लगे कि भाई सीएनजी गाड़ी है। इसके अलावा दोस्तों आपको रिफिलिंग पॉइंट भी दिए जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। ऑल ओवर अगर आप बात करेंगे, आपको सेफ्टी वाली बात भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाए। वो क्या है सेफ्टी वाली बात? सेफ्टी वाली बात दोस्तों ये है कि जब तक आप ये जो लिड है बंद नहीं करेंगे, तब तक आपकी जो गाड़ी है स्टार्ट नहीं होगी। इस चीज का दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब तक आप ये गाड़ी का लिड जो है बंद नहीं करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और अच्छी बात यह कि सेफ्टी पैरामीटर से ध्यान है कि आपने सीएनजी का ढक्कन बंद किया नहीं किया, वो आपको ध्यान में रखेगा कि हाँ भाई सीएनजी का ढक्कन बंद कर दिया है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है या फिर स्टार्ट होगी या नहीं हो रही है। ये चीज आपको हमेशा बेनिफिट रहेगा। अगर आप बेस मॉडल यानी 7,48,000 रुपए जब आप खर्च कर रहे हैं ऑरा में, तो आपको बेसिक चीजें मिलती हैं, वही चीज आपको बता रहा हूँ। जैसे कि जो हैंडल है आपका बॉडी कलर नहीं, आपको ब्लैक कलर का मिल सकता है। उसके अलावा अगर आप ORVM की बात करें, वो भी आपको ब्लैक कलर का ही मिलेगा। हालांकि इस चीज को आप कस्टमाइजेशन में जा सकते हैं, जैसे कि आप ब्लैक कलर के जो हैंडल है इसे आप क्रोम फिनिश के साथ जा सकते हैं। अगर आप ORVM को ब्लैक पोर्शन को छुपाना चाहते हैं तो क्रोम पास एक्सेसरी में मिल जाते हैं, उसको आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात भी है, अब वो प्रिंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा रिट्रैक्टिंग फंक्शन होता है, जिसकी वजह से फायदा अपने को ये होता है कि अगर किसी गाड़ी से ये भिड़ भी जाए तो आपका टूटता नहीं है, जिसके बाद आपको फायदा आपकी पॉकेट में पड़ जाता है, आपको बेस्ट की बच जाता है पैसा वो चीज का। इसके अलावा दोस्तों इंडिकेटर ऑन आपको फेंडर पे मिलते हैं, आपको ORVM पे नहीं मिलते, बिकॉज दोस्तों बेस मॉडल है। इसके अलावा जो मेन चीज अट्रैक्शन अच्छी बात यह है कि गाड़ी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक लाइन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि गाड़ी के लुक को एनहांस भी करते हैं और साथ ही साथ आपको एरोडायनामिकली रेजिस्टेंस से भी बचाते हैं, जो कि सबसे बढ़िया बात है। आपको अगर टायर को देखेंगे, आपको नॉर्मल हब कैप ही देखने को मिलेंगे, व्हील कवर नहीं आते दोस्तों। जो अगर देखिए दोस्तों बेस मॉडल अगर आप ले रहे हैं, कहीं आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, बट अगर आप कोई लग्जरी फीचर की बात करें, लग्जरी कहीं नहीं कॉम्प्रोमाइजेशन आपको मिलती है, बट दोस्तों आप ये अपने अकॉर्डिंगली जितना पैसा लगाना चाहते हैं स्लोली स्लोली इसको लगा सकते हैं। और अगर आप टायर साइज की बात करेंगे, इसके अंदर टायर साइज कितना था वो चेक करते हैं। अगर आप दोस्तों टायर साइज की बात करेंगे, 165/70 R14 का टायर साइज मिलता है, जो कि एक सेडान मिड साइज सेडान के लिए मोर देन इनफ है, अच्छा है टायर साइज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको गैप अच्छा खासा मिल जाता है, लगभग एक हाथ जितना गैप है, जिसकी वजह से जो सस्पेंशन अच्छे से काम कर पाता है, एक साइज आप बढ़ा भी सकते हैं, इतना गैप इसके अंदर है भी है जब आप अलॉय व्हील में अपग्रेडेशन करेंगे। मैकपर्सन की सस्पेंशन की वजह से आपको जो स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है, आपको ड्राइविंग करते वक्त मजा आता है स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन ना होने से, जो कि अच्छी बात भी है। ऑल ओवर जब आप ग्राउंड क्लीयरेंस की दोस्तों बात करते हैं, देखिए दोस्तों सेडान्स की जो ग्राउंड क्लीयरेंस होती है कम रहती है, बट दोस्तों इतनी भी कम नहीं है कि गाड़ी बिल्कुल ही नीचे लग गई है, स्पोर्ट्स कार बन गई है। बट इतनी ही है कि अगर आप हाईवे पे ड्राइव करें, सिटी में ड्राइव करें, अगर आप कहीं पहाड़ों में भी ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी निकल जाएगी, आराम से निकालनी पड़ेगी, बट दोस्तों निकल जाएगी गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो नियर अबाउट दोस्तों 169 mm के आसपास ग्राउंड क्लीयरेंस के लिए, और दोस्तों कम ग्राउंड क्लीयरेंस होने से फायदा अपने को ये होता है कि हाईवे पे गाड़ी चिपक के चलती है, हाई स्पीड पे भी, जो कि अच्छी बात है। ऑल ओवर अगर आप डिजाइन पैटर्न की बात करेंगे, गाड़ी का जो डिजाइन पैटर्न है बहुत ही अच्छा है, प्रीमियम लगता है आपको। यहाँ पे एंड में भी आपको ब्लैक कलर की आपको फिनिशिंग मिल जाती है, जो कि अच्छी बात भी है, गाड़ी के कॉम्प्लीमेंट देती है डिजाइन को, कमी नहीं लगती है कि हाँ भी अगर आपने कम पैसे लगाए हैं तो डिजाइन में कमी पेशी मिलती है। अब दोस्तों बात करेंगे रियर पैसेंजर सीट पे, आपको बैठ के बताएंगे कि आपका क्लाइंट जो है कंफर्टेबल बैठा है या नहीं बैठा, वो चीज दिखाएंगे। इसके बाद ड्राइवर सीट पे आपको फीचर बताएंगे, इंटीरियर भी बताएंगे। चलो चलते हैं बात करते हैं आपको रियर पैसेंजर सीट। तो फ्रेंड्स अब आ चुके हैं रियर पैसेंजर सीट पे, आपको बैठ के बताते हैं, बट उससे पहले आपको जो फ्रंट को पैसेंजर सीट होती है उसको एक नॉर्मल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल स्टैंडर्ड होगी। जैसे मैं बैठ के आपको बताता हूँ कि नॉर्मल स्टैंडर्ड पर्सन की सेटिंग कैसे रहती है, इस पर मैं नॉर्मल सेटिंग स्टाइल मेरा ये है। अब चलते हैं पीछे, अब पीछे बैठ के देखेंगे कि हाँ भाई अगर आपका क्लाइंट अगर पीछे बैठा है वो कंफर्टेबल है या नहीं है।
नॉर्मली सेडान्स इसीलिए ली जाती है कि आपका जो बूट स्पेस है अच्छा खासा मिल जाता है सिलेंडर रखने के बाद भी, और अगर तीन बंदे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तो दोस्तों डोर खोलते ही अच्छी बात है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हुंडई में जब भी आप जाओगे आपको क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जिसकी वजह से आपकी सेफ्टी भी और आपके क्लाइंट की सेफ्टी भी बनी रहेगी, जो कि अच्छी बात है। अगर आप रियर पैसेंजर सीट को देखेंगे, आपको जो डोर पैनल का डिजाइन है ड्यूल शेड में दिया जाता है, क्योंकि आपको प्रीमियम फील कराता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट पैसे लगा के ले लिए तो आपको क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज मिल गया, ऐसा नहीं है। बट दोस्तों अगर आप बेस मॉडल ले रहे हैं तो आपको जो मैनुअली आपको जो विंडो है डाउन करनी पड़ेगी, हालांकि इस चीज को अपग्रेड किया जा सकता है। आज के टाइम में आप पावर विंडो अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइजेशन करा सकते हो। आर्मरेस्ट मिल जाती है, स्पीकर की स्पेस मिल जाती है, आपको वन लीटर बॉटल होल्डिंग मिल जाती है, अनलॉकिंग का फंक्शन मिल जाता है, हालांकि इसमें जो है मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग मिलती है। अब गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं दोस्तों। जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो अच्छी बात क्या है कि ऑरा के अंदर कंफर्टेबिलिटी बहुत अच्छी। कंफर्टेबिलिटी कैसे कि आपको थाई स्पोर्ट अच्छा खासा मिलता है। जितना थाई स्पोर्ट ज्यादा होगा उतना ही आपका क्लाइंट सेटिस्फाई रहेगा, दोबारा आपके पास फिर से आएगा मुड़के। इसके अलावा दोस्तों लेग रूम अच्छा खासा है, लगभग आधे हाथ जितना गैप है। अगर आगे 5-11 का बंदा बैठा हुआ है, पीछे भी 5-11 का बंदा बैठना चाहिए तो कंफर्टेबली बैठा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों तीन बंदे अगर बैठना भी चाहें तो कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास कोई ट्रैवलिंग का आपके पास लॉग पड़ा हुआ है जिसमें चार बंदे जा रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंफर्टेबली जा सकते हैं। और हेडरूम अच्छा खासा है, हेडरूम होने से आपको जो क्लाइंट जब भी कोई बैठेगा तो उसको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। नेक भी अच्छे से मूव हो रही है, हेडरूम भी अच्छा खासा है, और आपको हाथ पकड़ने के लिए भी जगह दी जाती है कि अगर आप ड्राइवर को आपके क्लाइंट को लगे कि भाई ड्राइवर फास्ट चला रहा है, वो हुकिंग करके रह सकता है, जिसके कारण आपका क्लाइंट जो है अच्छे से बैठ पाएगा। सेंटर में लाइट दी जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस चीज का ये है कि आपको गाड़ी के अंदर आपको खुद की लाइट ऑन करने के साथ साथ रियर की पैसेंजर की लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं है। पैसेंजर खुद भी अपनी लाइट यू ऑन कर सकता है और विजिबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। आपके लिए फ्रंट में भी मैप पॉकेट की लाइट दे दी जाती है, जो कि अच्छी बात है, आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इंटीरियर देखेंगे, ई मॉडल का कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि ठीक है। आपने कस्टमाइजेशन कराने तो कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंगली सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है, बट इसमें आपको बेसिक एमिनिटीज पूरी मिलती है, वो हम ड्राइवर सीट पे जब आएंगे आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी के अंदर आपको हेडरेस्ट जो एडजस्टेबल मिलते हैं बेस मॉडल से मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। बेस मॉडल से ये चीज होनी आपके लिए भी अच्छी है और कस्टमर के लिए जो आपका जाएगा आपके साथ उसके लिए भी अच्छी है। ऑल ओवर अगर आप गाड़ी की इंटीरियर से लुक देखेंगे, इंटीरियर देखेंगे, गाड़ी का जो इंटीरियर है बेसिकली बहुत ही कंफर्टेबल इंटीरियर, क्योंकि स्पेशियस इंटीरियर लगता है, क्योंकि जो व्हाइट और ग्रे का मिक्सचर होता है वो गाड़ी के अंदर स्पेस प्रोड्यूस करता है। हालांकि जो रियर एसी वेंट है इस वेरिएंट में नहीं आएगा, आपको अपने अकॉर्डिंगली ये चीज कस्टमाइजेशन वैसे हो नहीं सकते, बट जुगाड़बाजी से, क्योंकि जो कमर्शियल वाले भाई होते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ले लेते हैं, उसका जुगाड़ हो सकता है इसके अंदर, वो आप अपने रिस्क पे करा सकते हैं, हमें रेकमेंड नहीं करते हैं चीज को। ऑल ओवर अच्छी खासी स्पेस है, जाके जब भी आप ट्रेवल करेंगे आपको अच्छा खासा स्पेस मिलने वाला है। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे और देखते हैं कि पैसेंजर सीट पे तो कंफर्टेबिलिटी मिलती है, क्या ड्राइवर सीट पे अभी आपको कंफर्टेबिलिटी मिलती है? चलो ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आ चुके हैं ड्राइवर सीट पे, ड्राइवर के लिए क्या फंक्शन है जो कि मेन है दोस्तों। गाड़ी के अंदर जो ई मॉडल अगर आप 7,48,000 रुपए खर्च रहे हैं, गाड़ी के अंदर आती है मैनुअल सेंटर लॉकिंग। कुछ ऐसी सेंटर लॉकिंग देखने मिलेगी, आपको अपने अकॉर्डिंगली इसको अपग्रेडेशन करनी ही पड़ेगी दोस्तों, इसका कोई सलूशन नहीं है। बट दोस्तों अगर आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो मैनुअली आपको अनलॉक करनी पड़ेगी चाबी लगा के, जैसे आप नॉर्मल कार में पुरानी कारों में कराई करते थे। पर दोस्तों अच्छी बात क्या है कि आपको फ्रंट टू पावर विंडो इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। आपको जो डिजाइन पैटर्न दिया गया है वो डुअल टोन में दिया गया है, जिसके कारण जो गाड़ी की लुक है स्पेशियस है वो ज्यादा निखर के आती है, गाड़ी अच्छी लगती है। हैंडल आपको यहाँ पे ब्लैक कलर के देखने को मिल जाते हैं, जो सफिशिएंट है, और आर्मरेस्ट पूरा वाइट दिया जाता है, इसको यूज करना इजी है। हालांकि अगर जब आप बेस मॉडल लेते हैं तो आपको जॉयस्टिक से ही एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, ओआरवी में आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल नहीं मिलते। जब दोस्तों कम पैसे लगा रहे हैं, हालांकि हमारी सिर्फ जरूरत यह है कि हमने गाड़ी लेनी है, उसको चलाना है, कमर्शियल में यूज करना, पैसे कमाने हैं उससे, उस टाइम पे दोस्तों फीचर इतने रिक्वायरमेंट नहीं होते, क्योंकि उस टाइम गाड़ी ज्यादा चलती है। बट दोस्तों ये आपको बेसिक रिक्वायरमेंट वाला फीचर है, आप अगर आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइजेशन कराना चाहते हो तो मार्केट में ऐसी चीजें हो जाती है, आप कस्टमाइजेशन में जा सकते हैं। बट दोस्तों गाड़ी के अंदर जब आप एंटर करते हैं तो गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर 5-11 जैसा जैसे मेरी हाइट है, मैं बैठा हुआ गाड़ी के अंदर तो मैं कंफर्टेबली जा पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई मुझे दिक्कत लगी कि स्टेयरिंग फंस गया है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बेस मॉडल में भी आपको हाइट एडजस्टमेंट मिलती है, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये चीज नॉर्मली अगर आप बेस मॉडल को लेते हो उसके अंदर नहीं देखने को मिलती, बट इसके अंदर आपको मिल रही है तो अच्छी बात है। अगर आप पूरी हाइटेड कर लेते हो, अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो आपका हेडरूम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, तब भी ये मेरा जो हेड है मूव कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि ये मेरी साइड
नॉर्मल स्टैंडर्ड हाइट की है, मैं अपनी हाइट अपने अकॉर्डिंग भी करके रखूंगा। तो अपने अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो मेरे पास, मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं 5'11" का हूँ तो मेरे पास अच्छा खासा हेडरूम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब की को लगा लेते हैं यहाँ पे चाबी होल में, चाबी में लगाए सिस्टम को ऑन कर लेते हैं। अब देखिए अच्छी बात क्या है कि जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू है, कंपनी जो डिजाइन एलिमेंट किया गया है कंपनी की तरफ से, वो बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको कहीं पे कमी पेशी ना लगे। सबसे पहले अगर आप वेंट का डिजाइन के देखो, मैट फिनिश के साथ आपको मर्सिडीज स्टाइल में मिल जाता है, जो कि कहीं में आपको प्रीमियम फील मिल जाता है। ऐसा नहीं कि अगर आपको कमर्शियल व्हीकल ले रहे हो तो आपको कहीं कमी पेशी लग रही है, ऐसा नहीं है। अब आते हैं मेन पैरामीटर पे, यानी कि आपके क्लस्टर इन्फॉर्मेशन पे। अगर आप क्लस्टर इन्फॉर्मेशन को देखोगे, ओल्ड स्कूल नहीं है, ज्यादा ओल्ड स्कूल नहीं है, नॉर्मल स्टाइल के साथ दिया गया क्योंकि कमर्शियल पर्पस का मेन फैक्टर होना है। उसके अकॉर्डिंगली एनालॉग मीटर मिल जाते हैं जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है। डिजिटल में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, बट इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मिलती जो कि अच्छी बात है, इजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं यहाँ से, सेटिंग लाइट्स की एडजस्टमेंट करनी है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, रीसेट वगैरह। और क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं क्लस्टर इन्फॉर्मेशन के, जो कि आप यूज कर सकते हो। मेन क्लस्टर में होता है कि सीएनजी कन्वर्जन। तो आप अगर मान के चलो आपकी गाड़ी में जो स्टार्ट होगी, पहले जो स्टार्ट होगी वो गाड़ी पेट्रोल पे ही होती है दोस्तों, जैसे ही आप गाड़ी को थोड़ा सा रेस देते हैं, हाईवे पे निकलते हैं, कहीं भी थोड़ी सी गाड़ी चलाते हैं, तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली सीएनजी पे कन्वर्ट हो जाती है। हालांकि जब आप सीएनजी पे गाड़ी चलाते हो तो पेट्रोल में आपने कन्वर्ट करनी है, सीएनजी गाड़ी के अंदर है, तो आपको करना क्या है, ये बटन दबाना है। जब आप बटन दबाएंगे आपकी गाड़ी जो है सीएनजी से पेट्रोल में आ जाएगी, जो कि अच्छी बात है, इजी टू यूज है। इसके अलावा हेडलाइट के कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाते हैं जो कि नॉर्मली आते हैं, इसके वाइपर के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, फ्रंट वाले वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं, जो कि इजी टू यूज है और जो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपको स्टेयरिंग पे आपको सिल्वर फिनिश के साथ आपको इंसर्ट मिल जाती है, जो कि थोड़ी सी प्रीमियम आपको फील दे देती है। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दी जाती है ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइजेशन करा सको। ऐसा नहीं कि कोई कमी पेशी आपको कहीं पे छोड़ दे, बट म्यूजिक सिस्टम को आपको अपने अकॉर्डिंगली 10 इंच का लगवाना है, 5 इंच का लगवाना है, जैसे आपको लगवाना है आप अपने अकॉर्डिंगली पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको मैनुअल एसी कंट्रोल मिल जाते हैं, जैसे ब्लोअर का है, आपको टेम्परेचर का है, पोजिशनिंग का है, अंदर की हवा एसी का कंट्रोल दिया जाता है, और आपको एक आपको सॉकेट भी मिल जाती है, कुछ भी आपने चार्जिंग करना है, एयर पंप यूज करना, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, इजी चीज है। उसके अलावा अगर आप नॉब देखेंगे, 5-स्पीड नॉब आता है, एक रिवर्स मिल जाता है जो कि अच्छा है। इसके अलावा अगर गाड़ी में देखेंगे आपको यहाँ पे हल्की खासी स्टोरेज स्पेस भी दे रखी है, अगर आपने फोन रखना है, कुछ भी रखना है वो यहाँ पे रखा जा सकता है। और आपको सुनने वाली बात है कि बेस मॉडल में यानी ई सीएनजी में आपको कूल ग्लास बॉक्स मिलता है, मतलब कि अगर आपका पैसेंजर आपके साथ बैठा है, कोई पानी की बोतल रखनी है अपने लिए भी, पीने के लिए, कस्टमर के लिए भी, तो उसको आप यूज कर सकते हैं, जो कि इजी भी है और अच्छा भी है। उसके अलावा फ्रंट मैप लाइट मिल जाती है जो कि आपको यूज रहेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे डे नाइट मिरर नहीं मिलता दोस्तों, नॉर्मल स्टैंडर्ड मिरर ही मिलता है, जो कि एक बेस मॉडल के अकॉर्डिंग ठीक है। हालांकि इस चीज को अपग्रेडेशन किया जा सकता है आफ्टर मार्केट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा ऑल ओवर स्पेस भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है, जैसा देख पा रहे हैं। पर दोस्तों मेन चीज आपको दिखाता हूं, वो है सेफ्टी के रिलेटेड, यानी आपको एक्सटिंग्विशर आपको यहां पे दे दिया जाता है, जिसकी वजह से इमरजेंसी अगर आपको पड़े, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑल ओवर अगर आप बात करेंगे, गाड़ी में आपको अच्छी खासी स्पेस भी दी जाती है, और इंस्टॉलेशन फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे तरीके से दी गई है जो कि आपके पैर को दिक्कत देने वाली बात नहीं। उसके अलावा आपको गाड़ी के अंदर डेड पैडल भी मिल जाता है, इजी टू यूज है, कन्वीनियंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल ओवर अगर आप कंफर्टेबिलिटी की बात करें, ड्राइवर सीट पे कंफर्टेबिलिटी है, लंबी जर्नी में आप ट्रेवल करेंगे, आपको जो विजन है बिल्कुल सेट है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अगर आप बात करें सेफ्टी की, 6 एयरबैग आपको गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सेफ्टी है काफी हद तक आसान हो जाती है, और हुंडई कभी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आपको अच्छी खासी 65% एडवांस हाइट सेंसिल और आपको एडवांस सेंसिल और साथ साथ HSS देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी क्वालिटी मानी जाती है सेगमेंट में, तभी आप इसको गाड़ी को इतना प्यार दे रहे हैं। और 7,48,000 में मुझे ये लगता है कि एक गाड़ी मिल जाना, और गाड़ी ये दोस्तों एक्स शोरूम प्राइस है, नॉर्मल नहीं है, एक्स शोरूम प्राइस है, ऑन रोड प्राइस नहीं है। तो 7,48,000 में एक गाड़ी मिल जाना, जिसके अंदर बेसिक सब कुछ आपको मिल जाता है, सेंट्रल लॉकिंग, म्यूजिक सिस्टम, हालांकि 25-30,000 की गेम होती है दोस्तों, मार्केट में अच्छी खासे से लग जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। तो दोस्तों अब चलेंगे आगे इंजन रिव्यू पे, देखेंगे आपको इंजन के बारे में क्या क्या मिलता है रिव्यू, और लास्ट में आपको बताएंगे कि ई सीएनजी लेने में क्या फायदा है। चलो चलते हैं। आपने इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑलमोस्ट सारा कुछ दे चुके हैं, आप गाड़ी के दिल के पास यानी इंजन के पास जाना। हमने हुड खोलने के लिए करना क्या है दोस्तों, ड्राइवर साइड के साइड में एक आपको हुक दिया जाता है, जब हम हुक को पुल करते हैं तो आपका जो बोनट है वो खोल जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी गाड़ी की मंथली इंस्पेक्शन अपना सारा कुछ कर सकते हैं। हुड खोलने के लिए भाइयों आपने करना क्या है, सिंपल अपना हाथ लगाना है, यहाँ पे पुलर होता है उसको पुल कर देना है, हुड खुल जाएगा, उसको स्टैंड पे लगा लेना, स्टैंड यहाँ पे फंसा दीजिए। स्टैंड लगने के बाद आपको अब बताते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में।
देखिए गाड़ी का जो इंजन है 1200 सीसी का है, 4 सिलेंडर इंजन आता है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन इंजन है। मार्केट में स्पेयर पार्ट मिलना बहुत इजी है, बिकॉज कमर्शियल वाले भाइयों की गाड़ी बहुत ज्यादा चलती है, और कोई भी गाड़ी चला रहा है सीएनजी, उनकी गाड़ी ज्यादा चलती है तभी वो सीएनजी पे आते हैं। तो दोस्तों सीएनजी वाले भाइयों के लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लोकल मार्केट में भी स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल हो जाता है, और आपको डीलर एंड भी बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल जाती है, जो कि बेहतरीन और अच्छी वाली बात है। और पावर की बात करें दोस्तों, जब भी आप सीएनजी पे गाड़ी चलाएंगे 69 पीएस की पावर मिलती है, अगर आप पेट्रोल पे चलाते हैं 83 पीएस की पावर मिलती है। आप कहेंगे इतना डिफरेंस क्यों? इसका रीजन ये होता है कि जो सीएनजी उसका जो बर्निंग पॉइंट होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से पावर जो होती है सीएनजी में कम महसूस होती है। जब भी आप ओवरटेक करेंगे कहीं ना कहीं आपको हल्का फुल्का महसूस होगा। इसका रीजन दोस्तों सीएनजी गैस ही है, इंजन की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पेट्रोल में चलाएंगे 83 पीएस, सीएनजी में चलाएंगे 69 पीएस की पावर है, तो आपको अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करना। बट दोस्तों सीएनजी में आपको माइलेज भी तो अच्छी खासी मिल रही है ना, वो भी देखने वाला पॉइंट है। अगर आप बात करेंगे दोस्तों इसमें मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लगभग दोस्तों जब आपकी फ्री सर्विसेज खत्म हो जाएंगी तो लगभग 3500 से 4000 रुपए का खर्चा आएगा आपको पेट्रोल के अंदर, और सीएनजी सेमी सर्विस कर रहती है, कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर आप कभी भी चलाएं 10000, हर एक 10000 रुपए आपकी जो सर्विस कॉस्ट रहेगी वो 3500 से 4000 के बीच में रहती है, जो कि नॉमिनल है मार्केट में। अगर आप बाहर से भी कराते तो 2500-2600 का खर्चा आता है, तो 1000 रुपए ज्यादा देके आपको कंपनी डीलरशिप से अच्छी खासी सर्विस मिल जाती है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की जो शेल लाइफ है वो बड़ी रहती है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा दोस्तों प्लस पॉइंट ये भी है कि गाड़ी के अंदर आता है ऑटो कट ऑफ अल्टरनेटिव, जिससे बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो बैटरी की हेल्थ लाइफ है वो ज्यादा रहती है, मतलब कि जिसने बैटरी ने 3 साल चलना है वो कम से कम 3.5 से 4 साल चल जाते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। बिकॉज बैटरी जो कॉस्ट होती है लगभग 4000-5000 पे आते हैं, वो आपके 1 साल का खर्चा जो है बच जाता है, जो कि सबसे अच्छी बात है। ऑल ओवर जो डिजाइनिंग की कंपनी ने की गई है, इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आप ध्यान से देखें, अगर अनजान बंदा जो सीएनजी के बारे में नहीं जानता उसको इजीली पता भी नहीं लग पाता कि भाई कार कैसे इस तरीके से इंस्टॉल की गई, क्योंकि फिनिशिंग क्वालिटी अच्छे से तरीके से दी गई, जो कि सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है। और अच्छी वाली बात क्या है दोस्तों? माइलेज। हाँ, माइलेज पे भी आते हैं दोस्तों। माइलेज की जब आप बात करते हैं तो सीएनजी गाड़ी जो माइलेज निकाल के देती है हाईवे पे, अगर आप आराम से गाड़ी चलाएं पेशेंसली, तो लगभग 30-31 किलोमीटर की माइलेज आ जाती है 1 kg से। और अगर आप पेट्रोल में चलाएं तो लगभग दोस्तों हाईवे पे नियर अबाउट 21 से 20 के आसपास माइलेज आ सकती है, आपके डिपेंड करता है आपकी ड्राइवेबिलिटी पे, कैसी आप ड्राइव करते हैं गाड़ी। अगर आप बात करें टैंक कैपेसिटी की, तो लगभग दोस्तों जो कैपेसिटी सीएनजी की आती है ठंड में नियर अबाउट 9-9.5 किलो गैस आ जाती है। अगर गर्मियों की बात करेंगे, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से जो सीएनजी आती है वो लगभग 8-8.5 किलो गैस आ जाती है, जो कि मोर देन इनफ है। इसके अलावा दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करेंगे, एबीएस सीबीडी ब्रेकिंग की बात करेंगे, जो कि अच्छे तरीके से मिल जाती है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मतलब कहने का है कि आपका गाड़ी का इंजन बहुत ही पावरफुल अच्छा इंजन है, जो कि आपको माइलेज भी देगा क्योंकि आपको माइलेज की रिक्वायरमेंट है, पावर भी देगा क्योंकि आपको पावर चाहिए, क्योंकि हाईवे पे ड्राइव करनी है, अच्छा कस्टमर को बना के रखना है, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं रिव्यू की कि क्यों ई सीएनजी लेने में फायदा है आपको एस वेरिएंट छोड़ के या फिर एस एक्स वेरिएंट छोड़ के। चलो चलते हैं और एस नहीं ई की आपको बताते हैं रिव्यू की क्यों लेना चाहिए ई सीएनजी। ऑलमोस्ट आपने सारे सेक्शन देख लिए कि ई सीएनजी में आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं, पैसे के अकॉर्डिंगली जस्टिफाई है नहीं है, 7,48,000 रुपए जिसकी आप कीमत कंपनी ने तय की गई है। देखिए दोस्तों मेनली जो ऑरा की डिमांड है नॉर्मल सेक्टर से हटके कमर्शियल व्हीकल में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिवली लोग चेंज हो चुके हैं, जिनके पास डिजायर थी वो ऑरा को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, बिकॉज सीएनजी भराने की जगह आपको स्पेस, लगेज रूम बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया, ड्राइवेबिलिटी मजा बहुत अच्छे तरीके से आता है कि आपको माइलेज अच्छी मिल रही है, आपको ड्राइविंग में दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि लंबे लंबे रूटों में आप चल रहे हो। तो उस टाइम पे ई सीएनजी कंपनी ने इसलिए डेवलप की क्योंकि बजट फ्रेंडली, क्योंकि देखिए नॉर्मल जो अगर आप ऑरा देखेंगे या फिर एस एक्स वेरिएंट देखेंगे लगभग 9 के आसपास आपको ऑरा एस पहुंच जाती है और लगभग 10 के आसपास आपको एस एक्स वेरिएंट पड़ जाता है। हालांकि फीचर दिए जाते हैं बट कमर्शियल पर्सन के लिए, कमर्शियल के लिए फीचर नहीं, कंपनी के आपको पैसा चाहिए होता है क्योंकि उसने कमाई ज्यादा करनी है, तो फीचर वो अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकता है। बट दोस्तों आप आपकी चॉइस अपनी है कि आपने एस के लिए जाना है, एस एक्स के लिए जाना है। ई कंपनी ने इसलिए इंट्रोड्यूस करी जो कि बजट में गाड़ी लेना चाहते थे, जिनका बजट जो है टाइट चलता था बट वो भी गाड़ी कमर्शियल में लगाना चाहते थे, उनके लिए गाड़ी कंपनी की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई है। फायदा इस चीज का है कि आपको गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग मिलते हैं, इंजन आपको अच्छा खासा मिल जाता है। इसमें कराने वाली बात चीज है कि आप अपने अकॉर्डिंगली जरूरत के अकॉर्डिंगली कस्टमाइजेशन करा सकते हैं, जैसे कि अगर आप माने आपको गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम लगाना है,
स्पीकर लगाने हैं, सेंटर लॉकिंग लगानी है, आप अपने अकॉर्डिंगली लगवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई जो जबरदस्ती लगे मुझे जरूरत है नहीं, मुझे नहीं लगवाना, मेरा बजट टाइट है, 80 से 90 हजार रुपए मैं नहीं लगा सकता। तो उस टाइम पे अगर आपका डिसीजन, आपका मन बनता है कमर्शियल गाड़ी लेने का, तो ई सी एन जी लेने में बहुत ही आपको बेनिफिट रहेगा, जिसके कारण आपके पैसे भी बचेंगे, आप उस पैसे से सेविंग करके अपने ही गाड़ी में जो आप लगवाना चाहें वो भी लगवा पाएंगे। या फिर अगर आप बात करें नॉर्मल पर्सन भी कोई लेना चाहता है गाड़ी, या फिर न्योस लेना चाह रहा था, उसमें सीएनजी नहीं आ रही थी, मतलब बजट में नहीं आ रही थी, तो उस टाइम पे एक बड़ी गाड़ी आप ले सकते हैं ई सीएनजी, जो कि बेहतरीन वाला सौदा। बट नॉर्मली ये व्हीकल जो नॉर्मली सोल्ड आउट होएगा सीएनजी में, वो कमर्शियल वाले भाइयों के लिए होगा, जिनको पैसे के लिए सेविंग मिलेगी, माइलेज अच्छी मिलेगी, और सबसे ड्राइवेबिलिटी भी मिलेगी, और आपके पैसे तो दोस्तों बच ही रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और दोस्तों पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना योर कार एडवाइजर को, आगे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी आपको, एस के साथ कंपैरिजन करके भी बताएंगे कि क्या एस में एक्स्ट्रा एड ऑन है, कि ई में क्या आपको मिलता है। चलो चलते हैं, और बाय बाय, टाटा है, सत श्री अकाल, और पेज को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों थैंक्स का बटन आपको कहीं दिख रहा होगा, थैंक्स पे जरूर क्लिक करना, अपने एडवाइजर को सपोर्ट करना, ताकि आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आता रहे। चलो थैंक यू, बाय बाय, ओके।